तो आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय है और बहुत ही विस्तृत विषय भी है, शिक्षा व्यवस्था कल आज और कल, यानी प्राचीन वर्तमान भविष्य, इन तीनों के बीच को जोड़ना, तीनों के बीच एक सेतु तैयार करना, तीनों की बारीकियों को समझना। भविष्य तो हमारे लिए जाना है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मानव कैसे जान सकता है, वह तो मात्र अनुमान लगा सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं कि भविष्य की शिक्षा कैसी होगी, या अनुमान न भी लगा पाए तो हम सुझाव तो दे ही सकते हैं कि भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। प्राचीन को हमने पढ़ा है अपनी पाठ्य पुस्तकों में, वर्तमान को हम देख रहे हैं, जो हमारा बीता हुआ वर्तमान है उसे भी हमने पढ़ा है और बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बारीकियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी खामियों के बारे में भी जान रहे हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा जो कि अपभ्रंश में सीख में आ गया, यानी सीखने की प्रक्रिया, शिक्षा क्या है? लगातार मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया जब व्यवस्था रूप में नहीं ढली थी, जब प्रणाली के तौर पर नहीं आई थी, तब भी मनुष्य सीख रहा था। हाँ, वह कैसे सीखता था? जब वह ठोकर खा करके गिरता था तब वो सीख लेता था कि मार्ग में आए हुए पत्थरों से, कंकड़ों से सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है। और हम कई बार कहते हैं कि अनुभवों से सीखना, कबीर हमारे बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, सिर्फ भक्त ही नहीं है, चिंतक भी हैं। वो कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो रे। यानी वह कागज की लेखी को अस्वीकार करते हैं, चुनौती देते हैं। हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जो तमाम ग्रंथ वेद हैं उनका अपना स्थान है, लेकिन ऐसे विचारक भी हैं जो कागज की लेखी को अस्वीकार करके आखिन देखी पर जोर देते हैं, यानी अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो मनुष्य की जो सीखने की प्रक्रिया है वह जन्मजात होती है। छोटा बच्चा जैसे ही चलना फिरना शुरू करता है, वह अपने आसपास की चीजों को छू करके, परख करके, उन्हें देख करके उनके बारे में अपनी राय बनाता है। अब बच्चे को कह दीजिए कि फला चीज न छुओ, आग पर में उंगली न डालो, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे ही वो आपकी उंगलियों को आग के संस्पर्श से झुलसा लेगा, हमेशा के लिए आग से दूर रहेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। तो इससे ये मनोविज्ञान कहता है कि हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्मजात होती है, इच्छा जन्मजात होती है और हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन इस सीखने को एक व्यवस्था प्रणाली के रूप में कैसे डाला गया, तो इसके प्रमाण हमें वेदों में मिलते हैं। वेदों में हम एक देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होती है और गुरुकुल की जो परिकल्पना है वह दिखाई देती है। बच्चों को कुछ लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, एक विशेष वर्ण के लोग हैं, भी वर्णाश्रम व्यवस्था की बात भी इसमें आएगी निश्चित तौर पर। और भारत में जो आश्रम व्यवस्था थी वह भी इसी काल के दौरान, वैदिक काल के दौरान बनती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो सीखने के लिए है, यानी आपको उसमें विद्यार्थी को सीखना है, कुछ निर्दिष्ट गुरुओं के पास जाकर के उसे ज्ञान प्राप्त करना है। और इस ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में उसे क्या क्या करना है, वैदिक काल में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वहां है मंत्रों का स्मरण, उन मंत्रों को पढ़ना, लिखना, सीखना, भाषा और साहित्य का ज्ञान। तो ब्राह्मण वर्ग के लोग शिक्षा दान में या शिक्षक बनने में अपनी जिम्मेदारी निभाते थे और शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। लेकिन वैदिक काल की शिक्षा की एक खामी यह थी, खामी तो मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन आज के समय पर जब हम उस व्यवस्था को कस करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खामी दिखाई देती है कि उस शिक्षा पर वर्ण व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। प्रभाव यह था कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और बहुत हुआ तो वैश्य वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। चातुर वर्ण में जो चौथा वर्ण था, शूद्र वर्ण, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी या शिक्षा को उनसे दूर रखा जाता था। अच्छा, एक कारण और भी था। कारण यह था कि संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत देव भाषा थी, इसलिए लोक भाषाओं
जानने वाले लोग उस शिक्षा पर अधिकार नहीं रख पाते थे। शिक्षा के दो प्रकार थे, पराविद्या और अपराविद्या, यानी आध्यात्मिक शिक्षा थी और भौतिक शिक्षा थी। आध्यात्मिक शिक्षा में वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था, तो भौतिक शिक्षा में इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा संस्थाओं के बारे में जब हम वैदिक काल में देखते हैं तो वहां पर टोल है, चरण है, परिषद, विद्यापीठ, मंदिर, महाविद्यालय आदि संस्थाएं देखने को मिलती है। अब वैदिक युग या उसके बाद उत्तर वैदिक युग में कुछ स्त्रियों के नाम गिनाए जाते हैं, जैसे मैत्रेयी, विशेश्वरा, घोषा, गार्गी, अपाला। वह उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शास्त्रार्थ भी किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्त्रियों को शिक्षा के मार्ग से हटा करके गृहबंदी किया गया, या फिर शिक्षा पर उनका अधिकार नहीं रहा। सीखने की प्रक्रिया उनकी भी जारी रही, वो भी अपने घर आंगन में रहते हुए जो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी वो करती थी, लेकिन किसी भी आवासीय विद्यालय जो कि गुरुकुल थे, गुरुकुल में स्त्रियां नहीं जाती थी, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था शिक्षा प्राप्ति के लिए। गुरुकुल या आवासीय विद्यालयों में सिर्फ लड़कों को भेजा जाता था, इसलिए एक जो लैंगिक विषमता थी वह उस युग में दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक युग आता है और वैदिक युग में एक शब्द सुनते हैं हम, ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता है। तो इस उपनयन का अर्थ क्या है? पास ले जाना, अर्थात किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास क्यों ले जाना? निश्चित तौर पर विद्या अध्ययन के लिए ले जाना। तो उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थियों को गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए ले जाया जाता था। अब यहाँ भी संकेत स्पष्ट है कि उपनयन संस्कार किनका होता था? निश्चित तौर पर ब्राह्मणों, क्षत्रियों का होता था, तो उनके लिए भी, उनके लिए ही शिक्षा थी। अब उस समय उस शिक्षा में पढ़ने और लिखने पर जोर था ही, लेकिन इसके अलावा किस पर जोर था? आत्मशुद्धि और चरित्र निर्माण पर अत्यधिक जोर था, कि विद्यार्थियों में को सिर्फ ज्ञान ही नहीं प्राप्त करना है, विद्यार्थियों का चरित्र भी उज्जवल होना चाहिए, यानी अध्ययन मनन के अलावा उन्हें चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, उन्हें आत्मत्यागी होना चाहिए। विद्यार्थियों को लेकर के एक श्लोक बहुत प्रचलित है, उसकी अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यानम श्याम निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अब आज के संदर्भ में जब हम इस श्लोक को देखें तो इसके सारे ही जो पांच चरण है उसमें से कुछ एक मिलते हैं, बाकी गायब मिलते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए आदर्श वही था कि अल्पाहार करे जिससे नींद ना आए, गृह त्यागी हो यानी आवासीय विद्यालयों में जाएं और गुरु के पास रहकर प्रकृति के प्रांगण में रह करके शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन वो सारे जो मूल्य थे वो समय के साथ धीरे धीरे धूमिल हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग के बाद, मैं प्राचीन काल को थोड़ा जल्दी पूरा करूं ताकि हम आगे बढ़ पाए, बौद्ध युग में शिक्षा की अवधारणा हमें मिलती है। जातक कथाओं से बौद्ध युग में शिक्षा किस तरह से दी जाती थी उसका हमें पता चलता है। वहां भी पाठ्यक्रम जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, लौकिक और धार्मिक, और धार्मिक पाठ्यक्रम में था साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म इत्यादि। लौकिक पाठ्यक्रम में चिकित्सा शास्त्र था, धर्म, दर्शन, साहित्य इत्यादि का पठन पाठन किया जाता था, और इनकी जो शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म में मठों और विहारों में दी जाती थी। अब भाषा में थोड़ा अंतर हमें दिखाई पड़ा, संस्कृत का स्थान पाली ने ले लिया, जो बाद में जाकर के प्राकृत भाषा आ जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो पाली में शिक्षा दी जाती थी, और विश्वविद्यालयों का जब हम नाम लेते हैं तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय है, नदिया विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा के बारे में सभी कोई जानते हैं। लेकिन इस युग में शिक्षा सबके लिए तो थी, लेकिन इसके बावजूद चांडालों के लिए शिक्षा नहीं थी, अर्थात चांडालों को छोड़कर और सभी लोग शिक्षा पर अपना अधिकार रख सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था आती है, बिस्मिल्लाह से वो शुरुआत करते थे, और उसके बाद मकतब और मदरसे में उनको शिक्षा दी जाती थी। वहां भी शिक्षा की जो दो धाराएं जो दो चली आ रही थी वो वहां भी विद्यमान थी। धार्मिक शिक्षा में उन्हें कुरान, हदीस, फिक्र इत्यादि पढ़ाया जाता था, और लौकिक शिक्षा में अरबी, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, व्याकरण, तर्क शास्त्र, कानून, कृषि आदि का ज्ञान कराया जाता था। हम प्राचीन शिक्षा काल, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि शिक्षा में रटना जो है उस पर बहुत बल दिया जाता था।
हालांकि हम लोगों ने बचपन में कहावत भी सुनी है, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, लेकिन इसके बावजूद हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली रटने पर निर्भर करती थी। गुरु बोलता था, वह चाहे वैदिक युग की शिक्षा हो, बौद्ध युग की शिक्षा हो या फिर इस्लामिक शिक्षा हो, गुरु बोलता था और छात्र उसके पीछे पीछे दोहराते थे। हमने बचपन में श्रुति लिख लिखा है, जिसे अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं, सुन करके लिखना, क्योंकि तमाम विद्यार्थियों के पास लिखने के जो भोज पत्र थे वो उनकी कमी थी, इसलिए श्रुति को अधिक महत्व दिया गया प्राचीन काल में, कि आप सुन करके चीजों को याद करें, मंत्रों को या फिर विद्या को आप सुन करके अपने हृदय में, हृदय स्थल में आप जमा करें, आप उसे अपने मन में स्थान दें। यानी पोथी में जो ज्ञान है वो पोथी का ज्ञान कुछ ही लोगों के लिए है, बाकी विद्यार्थी जो है वो सुन करके याद करते हैं। स्वतंत्र भारत में भी ऐसा देखा जाता है, आप देखिए गांव के स्कूलों में जाइए, वहां भी आपको छोटे छोटे बच्चे दो दुनी चार का पहाड़ा पढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी वहां भी जिन बच्चों के पास वो सरकंडे की कलम नहीं हुआ करती है, अब तो खैर कलम आ गई है दो दो तीन तीन रुपए की, या स्याही की व्यवस्था नहीं थी, वो सुन करके ही याद करते हैं। इसके बाद हम जब जब हम इस्लामिक शिक्षा पद्धति से ब्रिटिश युग में आते हैं, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की बहुत बात होती है, और कहीं ना कहीं हे से भरकर, हे भावना से भरकर कहा भी जाता है कि आज जो हम शिक्षा आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लॉर्ड मैकाले की देन है, और लॉर्ड मैकाले ने निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए लिपिक तैयार करने के लिए, क्लर्क तैयार करने के लिए, या फिर कहा जाए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्वार्थ सिद्धि के लिए इस शिक्षा की बुनियाद रखी थी। साम्राज्यवादियों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनकी भाषा समझ सके, उनके साथ वार्तालाप कर सके और उनकी बातों को जनता तक पहुंचा सके। निश्चित तौर पर यह उन्होंने निहित स्वार्थ के लिए ही किया था, लेकिन इसके बावजूद निहित स्वार्थ के लिए किया गया उनका यह काम भी भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा को पाने का एक रास्ता बना। अब ये बात और है कि हमने इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पाश्चात्य शिक्षा को ही जीवन धन के रूप में स्वीकार कर लिया, और अपनी मातृभूमि से, मातृभाषाओं से और अपने देश की तमाम परंपराओं से भी, मैं रूढ़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम परंपराओं से घृणा करने लगे, क्योंकि उस दौर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के दौर में एक वर्ग ऐसा भी आया जो कि अपनी तमाम भारतीय रंग रूप को छोड़ करके, परंपराओं का त्याग करके, अंग्रेजों के चरण चिन्हों का अनुपालन करते हुए पूरी तरह से अंग्रेज बनने पर तुल गया, और उन्होंने अपने आप को उन्हीं के रंग ढंग में ढाल लिया। इसीलिए कई बार उन लोगों को काले साहब कह करके भी संबोधित किया गया। तो लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा में जो परिवर्तन किया या फिर जो शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली, उसमें एक बड़ी बात यह थी कि वह चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा का भी समावेश हो, यानी गुरु रहे, मौलवी रहे, उसके साथ जो ईसाई धर्म का शिक्षक है वह भी स्थान पाए, और विद्यार्थी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा भी सीखे, जो कि उनका मुख्य लक्ष्य था। निश्चित रूप से अंग्रेजी में पारंगत करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। उसके कुछ एक बिंदु हैं जिनकी ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगी। लॉर्ड मैकॉले का जो विवरण पत्र था, उसके बाद वुड का घोषणा पत्र है, हंटर आयोग की सिफारिशें हैं, और इन सिफारिशों के फलस्वरूप कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षा संस्थान इत्यादि धीरे धीरे भारत में खुलने लगे। और मैकाले के समय ही प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद भी बहुत अधिक था, और इस विवाद को लेकर के लोग चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा को नकारा जाए, लेकिन हमारे ही बीच कुछ लोग थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया और हम उस पथ पर आगे बढ़ते रहे। लेकिन उन लोगों की जो सोच थी वह भारतीय शिक्षा को लेकर के एक हेय दृष्टि उनमें थी, जिसने संभवतः भारतीयों के मन में भी हीन भावना का समावेश किया। जैसे मैं अंग्रेजी का एक कोटेशन आपके सामने रखना चाहूंगी। इसमें एक विचारक ने कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कहाँ एक अलमारी और कहाँ पूरा का पूरा साहित्य। तो इस तरह की उद्घोषणाओं से प्रभावित होने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने यहाँ की प्राच्य शिक्षा को पूरी तरह से नकारने की प्रवृत्ति मन में
बैठा ली और वो अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ते गए और एक तरह से अंग्रेजों में ही परिणत हुए। और उसी दौर में हम देखते हैं उसके बाद तमाम तरह के सुधार आंदोलन भी उसके बहुत बाद आते हैं, और उन सुधार आंदोलनों ने लोगों को सुसंस्कृत करने का भी बीड़ा उठाया और उनका हमारे अंधविश्वासों को भी दूर किया, और थोड़ा सा पाश्चात्यकरण भी हमारा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकॉले के बाद चार्ल्स चार्ल्स वो डिस्पैच का नाम आता है, और उन्होंने एक उनका जो घोषणा पत्र था उसमें उनके कुछ मुख्य बिंदु थे, जिसमें था शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, और ब्रिटिश उन्होंने ये घोषणा ही कर दी कि ब्रिटिश शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, और नैतिक विकास के साथ वह शासकीय तंत्र में भी योग दे पाए, जो कि लॉर्ड मैकॉले का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह शासकीय तंत्र में योग देने के लिए लोगों को तैयार करना है। उसके बाद हंटर कमीशन 1882 में आया। हंटर कमीशन की भी कुछ सिफारिशें थी, और उन सिफारिशों में मुख्य था प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर बल दिया उन्होंने, स्कूल विभाग की स्थापना पर बल दिया, स्कूलों को सरकार अनुदान दी, ऐसी व्यवस्था भी वो चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की भी बात उन्होंने की, और फिजिकल शिक्षा अर्थात शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, महिला शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान देने की बात कही, और यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, पाठ्यक्रम जनजीवन के अनुकूल हो। ये सारे जो बिंदु थे, ऐसा नहीं कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में नहीं थे, लेकिन चूंकि इन बिंदुओं को हमने धीरे धीरे विस्मृत किया, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आती है या फिर स्थापत्य की बात आती है, जब हम प्राचीन भारत के मंदिरों को देखते हैं, मठों को देखते हैं, विहारों को देखते हैं, जैसे सांची के स्तूप को देखते हैं जो कई सौ वर्षों पहले बना है, या फिर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की हम स्थापत्य कला को देखते हैं, उसमें नालियों का जिस तरह से निर्माण है, भवनों का निर्माण है, उसे जब देखते हैं तो कहीं कोई दोराय नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे पास पहले से थी, लेकिन हमने इन्हें इस ज्ञान को धीरे धीरे विस्मृत किया, और उस विस्मृति का फायदा उठा करके इन अंग्रेज शासकों ने या शिक्षा सुधारकों ने यह बात हमारे दिमाग पर थोप दी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, अर्थात भारतीयों के पास तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ दिया सो सब हमने दिया, हमने ही तुम्हें पढ़ना लिखाना लिखना और सभ्य मनुष्य बनने की शिक्षा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1929 में हार्टगो कमिटी की रिपोर्ट आती है, और उन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करते हुए उसमें एक बिंदु यह जोड़ा कि सरकार उस शिक्षा व्यवस्था का लगातार निरीक्षण करे, और उनकी भी मांग थी कि 7 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम जो है उस समय मातृभाषाओं के साथ अन्य भाषाएं भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्धा स्कीम आती है 1937 में, वर्धा स्कीम ऑफ एडुकेशन, और उसमें उन्होंने कई सारे उनकी मांगे थी, जिसमें था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, 7 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, और उस समय जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी वर्धा स्कीम के में जो अनुसंस्थाएं थी उन्हें मूर्त रूप देने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए, और उसी के बाद वर्धा स्कीम की जो अनुसंस्थाएं जिनमें जो शामिल थी, मातृभाषा को मुख्य माना। गांधी जी ने भी, उनका विचार भी यही था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को हाथ का काम सिखाया जाए। अभी श्यामल किशोर साहब ने उसकी ओर संकेत किया था, गांधी जी के उन सुधारों की ओर, कि किस तरह से विद्यार्थियों को हस्तोक की शिक्षा दी जाए, उन्हें स्वाश्रय की शिक्षा दी जाए जिससे वो स्वावलंबन बढ़ सके, और उनके द्वारा जो निर्मित चीजें हैं उन निर्मित चीजों की खरीद सरकार करे, अन्यथा वो जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह से फलीभूत होने वाली नहीं थी। उन्होंने हाथ हृदय और मन का जो संयोग था उसे बनाया, और नई तालीम के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वनिर्भर बनाने की बात की। लेकिन उन गांधी जी के उन तमाम अनुशंसाओं की हमने प्रशंसा तो की, लेकिन उन अनुशंसाओं पर पालन तरीके से नहीं हुआ, और स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए जब हम मानसिक तैयारी कर रहे थे, जब हम हमारे आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी मातृभाषा की बात करते हुए गांधी जी ने हिंदी या हिंदुस्तानी की बात कही, कि उसके हिंदुस्तानी भाषा के बिना जो है वो हम बहुत सारे लोगों तक
नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा का आश्रय लेकर के हमें तमाम लोगों तक पहुंचना है, एक बड़े विशाल जन समुदाय को संबोधित करना है, तभी न केवल देश को स्वाधीनता मिल पाएगी बल्कि स्वाधीन भारत का एक सही ढांचा भी खड़ा होगा। स्वाधीनता के बाद हम देखते हैं विवेकानंद की शिक्षा पद्धति, विभिन्न शिक्षा के बारे में विचार तो है ही है, जो तो मानते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन और परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। शिक्षा क्या है? वो वही बात करते हैं जो बात सा विद्या विमुक्तये में है, अर्थात विद्या आपको मुक्त कराती है। और विवेकानंद का मानना है कि विद्या आपके अंदर मौजूद जो तमाम गुण है, जो तमाम मनुष्यता है, उसे बाहर निकालना है, उसे उसे उसका प्रतिफलन करना है। वहां रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा व्यवस्था भी हम देखते हैं, जो मुक्त प्रांगण की व्यवस्था पर जोर देते हैं। उन्होंने जब शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की, तो पूरा उनका जोर था कि प्राचीन जो गुरुकुल व्यवस्था हो उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था को उसी ओर ले जाना है, उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था करना। वहां वृक्षों के नीचे, जैसे वैदिक युग में गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरुओं के पास बैठकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर उसी तरह की व्यवस्था की ओर वो ले जा रहे थे। लेकिन वह व्यवस्था हर जगह संभव नहीं थी, न तो हमारे पास इतने मुक्त प्रांगण थे, न ही बहुत सारे लोगों में, शिक्षाविदों में यह संकल्प था शिक्षा को उस ओर ले जाने का, और न ही संसाधन थे। भारत सरकार आजादी के बाद बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक थी, जिसके कारण इन सारी योजनाओं पर या इन तमाम परिकल्पनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका, योजनाओं पर काम नहीं किया जा सका। और स्वतंत्र भारत में जब हम कमीशन की बात करते हैं, तो तमाम कमीशन आते हैं, जिसमें कोठारी कमीशन सबसे पहले बनता है। कोठारी कमीशन के बाद हमने देखा कि फिर उसमें 1968 में उनकी जो कुछ अनुशंसाएं थी, जिसमें सबसे बड़ी अनुशंसा थी कि जीडीपी को 6%, जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय किया जाए। लेकिन हमने माना तो, लेकिन इसे हमने स्वीकार नहीं किया। हमारे साथ दिक्कत यही थी कि हम उन तमाम अनुशंसाओं को मानते तो थे, लेकिन उन अनुशंसाओं पर काम करना जो था वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता था। इसके जो भी कारण रहे हो, हमने उन अनुशंसाओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया। इसलिए तमाम जो कमीशन बनते गए और काम होता गया, लेकिन अव्यवस्था शिक्षा को जो लेकर थी, वो अव्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रही, और तमाम तरह की दिक्कतें, एक हम जिसकी बात करते हैं कि विद्यार्थी गुरु और टीचर के बीच में, शिक्षक के बीच में, छात्र के बीच में जो संपर्क होना चाहिए, वो संपर्क धीरे धीरे बाधित हुआ, टूटता गया। प्राचीन गुरुकुलों में जिस तरह से हमारे विद्यार्थी शिक्षकों के निकट रह के अध्ययन करते थे, और गुरु को गोविंद से बड़ा मान दिया जाता था, इस तरह की बातें कही जाती थी, गुरु जो है ईश्वर से बड़ा है। कबीर कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद, जो गुरु गोविंद तक का पथ बताता है, इसमें एक आध्यात्मिक संकेत भी है। लेकिन इसके बावजूद गुरुओं की बड़ी भूमिका रही थी छात्रों के विकास में, जिसे नवीन शिक्षा प्रणाली ने बाधित किया। हमने शिक्षा को अधिक से अधिक परीक्षा पास करने, रटने से जोड़ दिया, यानी रटना है और परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाना है। डिग्री को अधिक महत्व दिया, हृदय की उदारता या बेहतर मनुष्य बनाने की जो संकल्पना शिक्षा के साथ जुड़ी हुई थी, वह धीरे धीरे मंद पड़ती गई। और इस मंद पड़ती हुई प्रवृत्ति को भाई भतीजावाद ने, शिक्षा में राजनीति के समावेश ने, शिक्षा को राजनीतिकों द्वारा अपने हित में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति ने बहुत हद तक शिक्षा का नुकसान किया। और इस शिक्षा व्यवस्था में आके हमने देखा कि जो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जो मुख्य समस्या आई, शासन की गुणवत्ता में कमी आई, शिक्षा प्रणाली जो थी वो समावेशी नहीं थी। शिक्षक जो थे, प्राचीन काल में शिक्षक बनने के लिए किसी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं बननी पड़ती थी। एक खास वर्ण के लोग शिक्षा प्रदान करते थे, वो अध्ययन मनन के द्वारा खुद को भी मुक्त करते थे और अपने छात्रों को भी मुक्ति का रास्ता दिखाते थे। लेकिन आधुनिक युग में हमने देखा कि शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के, और वो होनी भी चाहिए, बिना प्रशिक्षण के शिक्षक अपने छात्रों के साथ
कई बार किस तरह से बात करनी है, कैसे समझाना है वो नहीं समझ पाते, तो शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता भी की भी एक समस्या रही। स्कूली स्तर के जो आंकड़े थे वो आंकड़े कई बार जो पेश किए जाते थे वो अविश्वसनीय थे। महंगी शिक्षा आई, शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या, शिक्षा के शुरुआती दौर में लिंग भेद की भी, मैं आधुनिक भारत के स्वतंत्र भारत की बात कर रही हूँ, कि लिंग भेद की समस्या थी। लड़कियां जो हैं गांव में प्राय देखा जाता है कि लड़कियां प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त करती हैं और उसके बाद वो शिक्षा उन्हें नहीं भेजा जाता है, उन्हें शादी ब्याह के लिए घर पे बिठा लिया जाता है। अच्छा, ये सारी व्यवस्था हमारे समाज में भी है। शिक्षा को लेकर के परिवार ये सोचता है कि लड़की को आप कैसे भी पढ़ा ले, सरकारी स्कूल में पढ़ा ले, लेकिन लड़की को आपको अच्छे स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है। तो ये हमारे समाज की समस्या थी, लेकिन समाजी समस्या ने शिक्षा को भी बाधित किया, शिक्षा के विस्तार को रोका। और जो आरटीई का एक्ट, बस सर्व शिक्षा अभियान यानी शिक्षा सबके लिखा जो अधिकार है, वह अवधारणा धीरे धीरे स्कूलों के निजीकरण ने बाधित की। स्कूलों का जब निजीकरण होगा तो शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का जो मंत्र सरकार ने दिया, ये जो नारा था, वो बाधित हुआ, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा है, अर्थ है, वह शिक्षा वही प्राप्त कर सकता है। शिक्षा न केवल अर्थ से जुड़ गई, शिक्षा आप क्यों प्राप्त करते हैं? प्राचीन युग में शिक्षा दी जाती थी आपके की मानसिक उदात्तता के लिए, लेकिन नए युग में यानी आज के दौर में शिक्षा हम इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि हमें डिग्री मिले, और डिग्री हम इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि हमें नौकरी मिले। इसलिए युवाओं की बड़ी जमात खड़ी हो गई, जिसे डिग्री प्राप्त करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो उनमें तरह तरह की कुप्रवृत्तियों ने जन्म लिया, बेरोजगारी ने तमाम सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, और इस सामाजिक समस्याओं ने देश के माहौल को, वातावरण को अस्थिर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो अभी नई शिक्षा प्रणाली जो हमारे सामने आई है 2020 की, लोग निश्चित तौर पर उसकी ओर बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं और उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर और अधिक बात करने की जरूरत है। मैं एक उसका एक बड़ा बिंदु ये है, महत्वपूर्ण बिंदु है, कि उसने विज्ञान और कला के बीच के जो बंद दरवाजे थे, उन बंद दरवाजों को खोल देने की बात कही है, ताकि कला के विद्यार्थी विज्ञान के की ओर और विज्ञान के विद्यार्थी इच्छा होने पर कला की ओर आ पाए। मुक्त आवाजाही की बात ये शिक्षा नीति करती है, लेकिन ये मुक्त आवाजाही जो है वो कितनी सफल हो पाएगी, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम विद्यार्थियों के पास इतने रास्ते खोल देंगे, इतने विकल्प तो खोल देंगे, तो उनके साथ एक तरह की दिशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हम कहने को तो कह देंगे, विद्यार्थियों पर अध्यापकों की कमी नजर रहेगी, वो लगातार ये देखेंगे, जांचेंगे कि विद्यार्थी की किस ओर रुचि है और वो किधर जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, लेकिन शिक्षक कितना ध्यान दे पाएंगे? शिक्षकों पर भी तो बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां होती है और सारी तलवार लटकती है। जैसे इस नई शिक्षा नीति में एक मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है कि हर 10 वर्ष पर शिक्षक को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ेगा, तो इस नवीनीकरण की प्रक्रिया में वो कितना अधिक मुक्त हृदय से काम कर पाएगा? या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की तमाम योजनाएं बन रही है, लेकिन उन योजनाओं के बनने के बावजूद शिक्षक भी सिर्फ एक परीक्षा पास करके या सर्टिफिकेट लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में कूद जाएगा, या उस शिक्षा को हृदय से ग्रहण करेगा? और आने वाला जो भविष्य है, वहां पर एक चीज मैं देख रही हूँ जो मुझे समझ में आती है, जो कि नई शिक्षा नीति में भी है, तकनीक पर बहुत जोर दिया जा रहा है। यानी तकनीक आप सीखें तो तकनीक पर अति निर्भरता हमें कृत्रिम रूप से विद्वान बनाने की ओर बढ़ा रही है। अर्थात आने वाला समय जो है, जिसकी शुरुआत निसंदेह अभी से हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कृत्रिम मेधा का दौर है। हमने किताबें नहीं पढ़ी, वहां पर विद्वान किस तरह उठते होंगे? विद्वान, विद्वान की परिभाषा है कि जिसने पढ़ा है, जो औरों को मुक्त करता है, जो मूल्य देता है, जो समाज से जोड़ता है। लेकिन तकनीक आधारित जो शिक्षा होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा, वह हमारे हृदय में कुछ भी संचित नहीं होगा, कुछ भी संकलित नहीं होगा। जो कुछ होगा वह एक माउस की क्लिक पर होगा या उंगली के
पर होगा। हम अपने उंगली के स्पर्श से ज्ञान विज्ञान के तमाम क्षेत्रों का अनुसंधान करेंगे और उसे कॉपी पेस्ट करके विद्वान बन जाएंगे। आज के दौर में भी तमाम परीक्षाओं को पास करने के बाद प्रमोशन पाने के लिए जिस तरह की किताबें आ रही हैं, वहां पर कॉपी पेस्ट किताबों की भरमार है। यानी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वाद चखना आरंभ कर दिया है। अगर हम इसके खतरों से सावधान नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा वह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का या फिर हमारी तकनीक के ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स को देख करके पढ़ाने का होगा या विद्यार्थियों तक सिर्फ नोट्स दे देने का होगा। हमने विद्यार्थियों को भी इसी तरह से तैयार किया है कि वो हमारे सामने लिखित जो सूत्र है या नोट्स है उसी की मांग के साथ सामने आते हैं। जानने की इच्छा नहीं होती है। आज से 20-25 वर्ष पहले किसी कक्षा में पढ़ते हुए जो पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक होती थी उसे पढ़ने के साथ साथ रेफरेंस बुक की भी एक अवधारणा, हम जाते लाइब्रेरियों में, हम परिश्रम करके अपने नोट्स तैयार करते थे। लेकिन आजकल जैसे अभी एक बात आई थी कुंजी की शिक्षा, उत्तर प्रदेश में मैं काफी समय तक रही हूँ, वहां मैंने देखा है कि विद्यार्थी जब पढ़ने जाते परीक्षा देने जाते थे तो परीक्षा के 2-3 महीने पहले गाइड बुक खरीद लेते हैं। यानी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, गाइड बुक पढ़ेंगे। तो इस नई शिक्षा प्रणाली जो तकनीक पर अतिशय बल दे रही है, वहां भी ये सूत्र रूपी जो शिक्षा होगी वो हमें निश्चित तौर पर कृत्रिम रूप से विद्वान बनाएगी। हम न याद करेंगे, न कंठस्थ करेंगे, न हृदयस्थ करेंगे और न ही उसमें संशोधन परिवर्तन। हमें जिस से कर देंगे होने की जरूरत है और इस इंटेलिजेंस से बचने की है और ऐसी शिक्षा ताकि भविष्य का जो हमारी पीढ़ी सही अर्थ में मनुष्य हो, वह बाहर के धीरे पूरे की कोशिश करें। जैसे कभी जब जब किताब की भूमिका खत्म हो जाती है, किताबें शून्य हो जाए, कबीर मुझे बार बार याद आता है। कबीर कहते हैं, कोई पड़ी पड़ी जो मुआ पंडित भया कोई, ढाई प्रेम का जो पंडित। हालांकि कबीर वहां आध्यात्मिक बात करते हैं, लेकिन जब हम चंडास जाते हैं तो शोभा पूरे मानुष हो तहां क्यों मानुष, तो हाँ सिर्फ की भरता उत्पाद कृत्रिम मेधा से संपन्न विद्वान हमारे सामने न हो, हृदय की जो स्वच्छता है उससे खुद भी उस भाव और अपने आने वाली पीढ़ियों को करने की शान। धन्यवाद आप सब।